हम आपसे कह रहे हैं कि हमने एक बेहतरीन उम्मीदवार फारूक रजा साहब को दिया है, अगर यहाँ की जनता उनको अपना नया सांसद बनाएगी तो ये एक तारीखी मुकाम है। पाटलिपुत्रा हज़ारों साल की यहाँ पर तारीख और तहजीब है, इसको हम बेहतर से बेहतर एक टूरिज़्म का सेंटर बना सकते। यहाँ पर मानेर शरीफ की दरगाह भी है, हमारे हिंदू भाइयों का भी एक आस्था का मुकाम है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाइए। हमने यहाँ पर फारूक रजा को हमारा उम्मीदवार बनाया तो लालू परिवार पाटलिपुत्रा के गांव गांव फिर रहा है भीख मांगते हुए कि हमको वोट दे दो, मजलिस को वोट मत दो। अगर हम उम्मीदवार नहीं देते तो क्या लालू का परिवार फिरता गांव में? मगर क्योंकि यहां से हमने एक शेर को उतारा तो शेर के डर से सब भाग रहे हैं। इनको डर इस बात का है अगर यहां से फारूक रजा आगे बढ़ जाएगा, यहां की जनता में सियासी खियादत का पैगाम पहुंचा देगा जो होगा, तो तेजस्वी को इस बात का डर है कि अगर इस चुनाव में नहीं रोक पाए तो विधानसभा में ये तो हमारी गिल्ली को उड़ा देंगे। हम उड़ाएंगे तुम्हारी गिल्ली को इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि हम सिर्फ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चले जाएंगे पाटलिपुत्रा से? नहीं जाएंगे। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभा हैं वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए जैसा आज मैं आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे फिर से अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है और इस अमानत को सही इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, आपको हिम्मत और हौसले से काम करना है। और किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिंदा रहना है तो मीरे कारवा बनकर रहो, जिंदा रहना है तो मीरे कारवा बनकर रहो, इस जमीन की पस्तियों में आसमान बनकर रहो, इस जमीन की पस्तियों में आसमान बनकर रहो।